अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में, और ये मस्जिद नूर का ग्राउंड है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये मदरसे के जो है वो तुलबा को यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हुए देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये ग्राउंड जो है विज़िट किया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो जो खेलों के मैदान है उसमें अब फोत होती चली जा रही हैं। आज हम यहाँ पर जो जो तुलबा हैं उनसे भी बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आइए मैं आज आपको जो है वो तुलबा की जानिब लेकर चलता हूँ और उनसे जो है इस हवाले से बात करते हैं। जी, हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान, पहले तो ये बताएं कि आप कौन से मदरसे में हैं और क्या पढ़ रहे हैं? मैं मदरसा अल फला मुत्तसिल जामे मस्जिद इसमें पढ़ता हूँ और आलिम का कोर्स कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये आप रोज़ाना इसी तरह से क्रिकेट खेलते हैं? जी हाँ, ये हमारी डेली रूटीन है कि हम इधर आकर नूर क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं और यही हमारा मामूल है, हर रोज़ हम इधर क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट का शौक कैसे पड़ा? क्रिकेट का शौक़ ये हर इंसान के अंदर किसी चीज़ का जज्बा होता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है। तो अब हम में से बाज़ तलबा ऐसे जो फुटबॉल खेलते हैं, बाज़ ऐसे कि जो क्रिकेट खेलते हैं, हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, इस वजह से तो हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मदरसे की इंतज़ामिया मना नहीं करती तुम्हें खेलने से? तो मदरसे की निज़ामिया हमें कैसे मना करेगी, पूरे दिन हम पढ़ते रहते हैं तो यही असर से लेकर मगरिब तक हमें खेलने का मौका मिलता है ताकि हमारा जहन फ्रेश हो जाए। तो एक तासुर ये पाया जाता है कि जो मज़हबी जो ये कह लें कि जो मदारिस हैं या वहाँ पर इसे ममनून समझा जाता है जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को, तो क्या ऐसा वाकई है? नहीं नहीं, वो वाकई में बात हकीकत आप बात ये जो कर रहे हो कि भाई मदारिस में जो इसको ममनून समझा जाता है वो इस वक्त में ममनून समझा जाता है कि जिस वक्त मिसाल के तौर पर आपकी पढ़ाई का टाइम हो, सुबह से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर उसमें आप क्रिकेट खेलते हो पढ़ाई को छोड़ कर आकर, तो ये नामुनासिब है। अब असर से लेकर मगरिब तक ही क्रिकेट फुटबॉल कटे में इसमें क्रिकेट खेलना ममनून ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये तलबा की सेहत के लिए अच्छा है और मुफीद है। इसमें ये बताइएगा कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैच भी देखते होंगे? बिल्कुल, हम तो सबसे ज़्यादा मतलब कि आपको कौन सा खिलाड़ी पसंद है? पूरे पाकिस्तान का तो नहीं कह सकते बल्कि वर्ल्ड प्लेयर है जो पाकिस्तान की टीम में इस वक्त मौजूद है, बाबर आजम के नाम से जो जाने जाते हैं, और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है बाबर आजम से किस मरतबा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवा कर पाकिस्तान को कप से हम किनार करवाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि अभी भी आपको पाकिस्तानी टीम से उम्मीद है इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी? इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि भाई पाकिस्तानी की टीम ये चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी बाबर आजम की कप्तानी में। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत से प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ी की है, जिस तरह के सरफराज अहमद है बहुत अच्छे प्लेयर थे, 11 सीरीज़ें उन्होंने मुसलसल जितवाई, 34 मैच खेले, 34 में से उन्होंने 31 जितवाई, एक मैच उनके मतलब जिस वक्त वो कप्तान थे उस दौरान ड्रॉ हुआ, बाकी 3 से 4 मैच उन्होंने सिर्फ हारे, उन्होंने सिर्फ एक सीरीज हरवाई श्रीलंका से, इसके ये सजा ये दी पाकिस्तान ने कि उनको पाकिस्तान की टीम ही से बाहर कर दिया, कप्तानी से तो छोड़ो पाकिस्तान की टीम ही से बिल्कुल उनको बाहर कर दिया। ये हमारे ग्राउंड है आप देख सकते हो, बिल्कुल इधर मिट्टी पड़ी हुई है, ये हमारे पिच कब से तकरीबन से 3-4 साल ये पीछे पिच भी ख़राब हो गई है, इधर बाकी ग्राउंड में पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, पीछे बिल्कुल टेंकी है, गेंद चली जाती है, इस पर हमारे मुश्किल है। तो हम ये पूरे बड़े हजरात से गुजारिश करते हैं कि भाई जितना हो सके स्पोर्ट के हवाले से बच्चों को सपोर्ट करें। किसी भी को मदारिस में भी आना चाहिए ट्रायल्स लेने के लिए, यहाँ भी टैलेंट है माशाल्लाह आपकी, मैंने अभी क्रिकेट देखी, आप ग्राउंड से बाहर आपके छक्के जा रहे हैं, तो क्यों मतलब मदारिस में भी इस तरह का टैलेंट मौजूद है, हम दीन का भी काम करेंगे और पाकिस्तान के का नाम भी रोशन करेंगे? हाँ, होना ये चाहिए कि भाई ये मदारिस के जो तलबा है इनके लिए अलग सा एक फील्ड मुकर्रर किया जाए कि इनके आपस में मुकाबले कराए जाए, जिस तरह के हमें मदारिस के खुद ही अपनी सिस्टम है कि भाई पूरे साल में जो है ना एक मरतबा पूरी बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन, आप भी खेलते हैं क्रिकेट? जी, क्रिकेट से अल्हम्दुलिल्लाह जो है पास्ट में अच्छी खासी जो है यानी कि दिलचस्पी थी, और अभी भी फ़िलहाल जो है मेरी दिलचस्पी क्रिकेट के साथ है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजबूत बने और हम जो है उनके साथ सपोर्ट करें। मदारिस के अंदर इस तरह का टैलेंट जो है वो होना यकीनन काबिल तारीफ़ है,